आज मैं आपके साथ बोंग बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसको बनाने के दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में गोश्त की खड़े मसालों के साथ मज़ेदार यखनी तैयार की जाती है और दूसरे स्टेप में इसकी ग्रेवी तैयार की जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बकरे का 600 ग्राम गोश्त लिया है हड्डी के साथ है। यखनी बनाने के लिए सूखे मसालों में आधा चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच धनिया साबित, चार पांच काली मिर्च, तीन चार लौंग, दो हरी इलायची, एक काली इलायची, दो पत्ते तेज़पात के, एक इंच दालचीनी, छोटा सा टुकड़ा जायफल का और एक जावित्री, तीन साबुत मिर्च, एक पूरी लहसुन, एक छोटा सा प्याज, आधा इंच कच्ची हल्दी का जिसको मैंने टुकड़े कर लिए हैं, दो इंच अदरक, एक चम्मच नमक। यखनी बनाने के लिए एक लीटर पानी। इस निहारी की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए एक चम्मच मैदे का जिसको मैंने पानी में घोल लिया है, दो बड़े चम्मच दही, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच देगी मिर्च, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला और एक बड़ी प्याज को मैंने बारीक काट कर इसको ब्राउन कर लिया है। गार्निश के लिए हरी धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है, अदरक जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और मिर्च जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। यखनी बनाने के लिए हम एक कुकर लेंगे और चूल्हे को जला लेंगे। अब इसमें एक लीटर पानी डाल देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर अपने गोश्त को डाल देंगे। फिर इन मसालों को डालेंगे। जो ये सूखे मसाले हैं इनकी हम पोटली बनाकर इसके अंदर डाल देंगे। देखिए हमारी पोटली बनकर तैयार हो गई है और अब हम थोड़ी लूज सी पोटली बनेगी ताकि ये मसाले फूले तो अपना जूस अच्छी तरह से छोड़ सके। अब हम इस पोटली को पानी में डाल देंगे। आग को बिल्कुल तेज रखेंगे। हमारी यखनी में एक उबाल आ गया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और एक सीटी आने के बाद आग को बिल्कुल कम कर देंगे क्योंकि इसको स्लो आग पे पकना है। ये डिश क्योंकि धीमी आंच पे पकाई जाती है इसलिए हम इसको अब दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दे रहे हैं और आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम दो बड़े चम्मच तेल लेंगे और उसको एक फ्राई पैन में डाल लेंगे। गैस को ऑन करेंगे। अब ये तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें एक इंच की दालचीनी है, दो छोटी इलायची हैं, तीन चार लौंग और आठ दस काली मिर्चें हैं। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट दो बड़े चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। जब ये लहसुन अदरक थोड़ा सा भुन जाएगा तो अब हम इसके अंदर तमाम अपने पाउडर्ड मसाले डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको भूनेंगे। देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। इस वक्त अब हम इसके अंदर ऑनियन को डाल देंगे और साथ ही में दही भी इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर इसको बहुत अच्छी तरह से
10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है। इधर हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है और इसको अब हम खोल के देखते हैं। बहुत अच्छी यखनी बनके तैयार हुई है, इसने तेल भी छोड़ दिया। अब हम सबसे पहले इसके अंदर मौजूद पोटली को बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा दबा के इसके अंदर का जूस निकाल लेंगे। देखिए ये हमारी यखनी है जिसको मैंने छान लिया है और ये हमारी बोटियां हैं। अब हम इसको मसाले में डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, फिर ये यखनी डाल दी जाएगी। निहारी की ग्रेवी तैयार करने के लिए अब हम एक कुकर लेंगे और अपने फ्लेम को ऑन कर लेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था उसको इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये वो बोटियां हैं जो हमने यखनी के साथ बॉईल करी थी, अब वो इसके अंदर डाल देंगे। अब खूब अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर यखनी का पानी डालेंगे। यखनी को हमेशा छान लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि इसके हड्डी के टुकड़े आ जाएं और जो कि आपको परेशान करें और खाने का मज़ा भी बेकार हो जाए। देखिए हमारी निहारी अब पक रही है और इस वक्त अब हम इसके टेक्सचर को और अच्छा करने के लिए जो मैदा हमने घोल के रखा था इसमें डाल देंगे। और फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब इसे खोल के देख लेते हैं। इसको सर्व करते हैं। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और अब हम इसको गार्निश करेंगे अदरक से, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, हरी मिर्च और साथ में धनिया पत्ता। चलिए अब इसको गरम गरम रोटियों से सर्व करते हैं।